बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 67वीं प्रीलिम्स की परीक्षा में जबरदस्त धांधली हुई है और इसको लेकर पीकेसी कार्यालय के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पेपर लीक हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और साथ ही साथ बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सह सचिव अमरेंद्र कुमार को बर्खास्त करने की भी मांग की जा रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। ओएमआर शीट में भी छेड़छाड़ का आरोप बीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा लगाया जा रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती बीपीएससी कार्यालय के बाहर कर दी गई है और दंगा नियंत्रण वाहन भी मौजूद बीपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है। साथ ही किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सचिवालय थाने की पुलिस मौजूद, भारी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मार्क्स होना चाहिए उतना बीपीएससी द्वारा नहीं दिखा जा रहा, उसे 8-10 नंबर कम दिखा जा रहा है, तो इसकी जांच हो, यानी कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हो इसकी सीबीआई जांच हो, अमरिंदर कुमार मनोज कुमार के संपत्तियों की जांच हो और इन लोगों को पद से तत्काल। क्या बात है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग के माध्यम से? सर आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप लोग के माध्यम से सरकार तक सिर्फ अपनी बातों को पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है हम बच्चों के पास, हम लोग बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करने वाले हैं और हमारे अधिकारों का जो छीना जा रहा है कृपया आप इसको बचा लीजिए। क्या हो रहा है सर, अभी देख रहे हैं कटअप को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो बच्चा एग्जामिनेशन में बैठ नहीं रहा है ना वो बच्चा पास हो जा रहा है, लेकिन जो बच्चा 120 नंबर लाया है ना उसको पास नहीं हो पाया। कौन सा एग्जाम? एग्जाम बीपीएससी का जो 67 हुआ और इसका पीटी एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में इस तरह को दिखाता है ना कि 1947 के पहले प्रतंत्र भारत में जो भारतीयों के साथ अंग्रेज करते थे आज ये नेता ठीक वही कर रहे हैं। क्या मांगे हम लोगों का? मांगे है कि रिफॉर्म किया जाए, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए ना उन सबको बाहर किया जाए, जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है और जो भी पोस्ट में आप पैसे के बल पर आगे भेज रहे हैं ना, जब भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा तभी बिहार को विकास को नहीं ले जाने देगा। जो भी अफसर बन के जाएंगे डीएम डीएस क्या करेंगे, तो भ्रष्टाचार ही तो करेंगे जाकर के वहाँ पे। कोई अगर 1 करोड़ रुपया दे करके जाता है तो कोशिश करेंगे ना सर 500 करोड़ कैसे आ जाता है, कहाँ से लाएगा वो, क्या पेमेंट होता है इनका? तो कृपया इसको सुधार कीजिए, बिहार को चौपट मत कीजिए, बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम है। जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर होता है, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, आप अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए सत्ता ऊपर खाली रहता है, कुर्सी खाली रहेगा, लेकिन जो एक लड़का गरीब किसान से आता है ना उसका इतना भी अधिकार नहीं है तो मेहनत करके अपने दम पर कुछ कर सके, इसका अधिकारों को आप लोग छीन रहे हैं, इससे बड़ा सभी की बात हो क्या हो सकता है? नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम चुन्नू शर्मा, मैं गया था।